सिंध सरकार पारा इरसा ते खदशा जाहिर पानी के विच में नाइंसाफी कंदे सीजे केनाल में टे दिन अंदर 70,000 क्यूसिक पानी छोड़के वो सिंध खदशन बावजूद चश्मा केनाल में जबरदस्ती पानी छोड़के पे वे गुडू बैराज या सकर बैराज मैनुअल सिस्टम खत्म कर मशीनरी सिस्टम लगाए पे वे सिंध आबाशी बारे सूबाई वजीर जाम खान शोर जो सखर में मीडिया से गालू चवे तो मशीनरी सिस्टम लगाने से सखर बैराज के एक गेट त 80 टन वजन खत्म थी सखर बैराज जो मरम्मती कम कराया वो कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी से फलस्तीन के सफीर की मुलाकात मुलाकात में पाक फलस्तीन लागापन के गाल फलस्तीन के सफीर शहीद बेनजीर यासिर अरफात की यादगार तस्वीर जो फ्रेम भी पेश कयो बिलावल और आसिफा भुट्टो जरदारी के फलस्तीन के सफीर अहमद जवाद डबई मस्जिद अक्सा की यादगार तस्वीर शील पेश कई हथियार स्मगलिंग करने वाले इल्ज़ाम तां वडे वजीर के सूबाई सलाहकार बाबल भयो इस्तीफा दे छी मोहम्मद इल्ज़ाम सरासर गलत आन वो वजीर शिफाफ जांच कराए अजाया इल्ज़ाम हणी साख मुतासर कई वही है हथियार की स्मगलिंग में मुझो या मुझे खानदान को कोई भी ताल्लुक ना है सूबाई सलाहकार बाबल भय जो निजी टीवी से गाल चवे तो मुझे इस्तीफा जो मकसद शिफाफ और गैर जानबदारानी जांच कराण है गुजरल ढी हथायल हथियार से गैर जरूरी सियासत कई वही मां वे वजीर के दरख्वास्त क्या तो इस्तीफा मंजूर कर जांच कराए और इंक्वायरी रिपोर्ट मंजरियाम से आने डबल केबिन की गाड़ी से मुझो चूंड स्टीकर लगन होने से गाड़ी मुझी न थी जैकमाबाद में हथियार की स्मगलिंग में गिरफ्तार जवाबदार मथा दहशतगर्दी एक्ट तहत केस दाखिल FIR में ASI समेत 3 पुलिस एहलकार समेत 7 जवाबदार अख्तियार लाशारी नबील अहमद तौफीक अहमद जाकिर हुसैन भयो और बया नामजद कैन 5 दिन के रिमांड से पुलिस हवाले किया वो SSP जैकमाबाद चवण है गिरफ्तार जवाबदार मथा दहशतगर्दी एक्ट तहत केस दाखिल किया वो है जवाबदार केदा भी बासर हुजन कैन सख्त सजा दियारी मिली गुजर रात कार्रवाई दौरान विगो और पुलिस मोबाइल में वही तादाद में गैर कानूनी हथियार गोलियों हथ कई व्यू 7 जवाबदार गिरफ्तार किया वो वफाकी काबीना अहम मुकर्रन में 65 साल तीन उम्र की हद खत्म कर छी माहवार 25 लख रुपये तीन पगार से नये मुकर्रन लाय रस्तो खुली वो जरिन मूजिब वफाकी काबीना मुकर्रन में PTI की हुकूमती दौर वाली पॉलिसी में तरमीम कदे अहम मुकर्रन में 65 साल तीन उम्र की हद खत्म कर छी तरमीम लाए वफाकी काबीना का सर्कुलेशन जरिए समरी की मंजूरी वरती वही काबीना स्पेशल प्रोवेंशियल पे स्केल्स पॉलिसी 2019 में तरमीम की मंजूरी दिनी अमेरिका पाकिस्तान के औजार फराहम कदड़ चैन परडे कंपनियों से पाबंदी लगे छी चीन के 3 बेलारूस की एक कंपनी से पाबंदी लागू अमेरिकी परडे खाते दावा कर ये कंपनियों पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम लाए औजार फराहम कदन पाकिस्तान परडे खाते की तर्जुमान मुमताज जहरा जो चवण है अमेरिकी कदम का आगाह नह उन अग भी पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम बाबत इल्ज़ाम से सबूत का सवाल व्यापारी फहरिस्तू सामू आयु कौमी सूबाई असेंबली के 22 सीटों से जिमनी चूंड लाए पॉलिंग सुभाने थी दी कौमी असेंबली के 5 खाली सीटों पंजाब असेंबली के 12 KP और बलोचिस्तान असेंबली के 2 सीटों से जिमनी चूंड लाए तैयारियों मुकम्मल PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पारा खाली कल सीट N196 कंबर शहदाद कोट से भी नंबी चूंड थी रही है चूंड लाए 303 पोलिंग स्टेशन कायम कई व्यू 4,23,781 रजिस्टर वोटर्स वोट जो हक इस्तेमाल कंदा सिक्योरिटी का इंतजाम इंतहाई सख्त वफाकी सरकार सुभाने सजे मुल्क में थींदड़ जिमनी चूंडन लाए सिविल आर्म फोर्सेस और पाक फौज जा दस्ता मुकर करण की मंजूर दे छी जिमनी चूंडन दौरान सिक्योरिटी जा सख्त इंतजाम करण जो फैसलो किया वो वफाकी हुकूमत तरफा सिविल आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान आर्मी जा दस्ता मुकर करण की मंजूरी का घरू वजारत हुकुम जारी कर छा नोटिफिकेशन मूजिब सिविल आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान आर्मी जा दस्ता क्विक रिस्पॉन्स तौर इस्तेमाल थन्दा फौज जा दस्ता अज का 22 अप्रैल तीन दस्तियाब हूँ
हिन भेरे असेंबली विकरो ऐं ख़रीद कयूं वयूं। ॿुधायो वञे त बलूचिस्तान असेंबली 70 या 80 अरब रुपयनि में ख़रीद कई वई। मौलाना फज़ल रहमान जो ख़िताब चवे थो, असां तरीक़े सां जाली हुकूमत खे हलणु न ॾींदासीं। बलूचिस्तान में तरीक़े शुरू थी आहे, सॼे मुल्क में हलाई वेंदी। सिंध जे सीनियर सूबाई वज़ीर शलीना महमूद मीरप्रकाश में पीपल्स बस सर्विस जो इफ़्तिताह करे छॾियो। सिंध जे हर ज़िले में पीपल्स बस सर्विस शुरू करण जो ऐलान। शर्जील इनाम महमूद इफ़्तिताही तकरीब खे ख़िताब कंदे चयो आहे त हू बिलावल भुट्टो सरदारी जे 10 नुकाती एजेंडा ते अमल करे रहिया आहिनि। पीपल्स पार्टी जेके आवाम सां वाइदा कया उहे पूरा करे रहिया आहिनि। पीपल्स पार्टी हर इलाइक़े में तरक़ियाती कम कराए रही आहे। पीपल्स पार्टी ग़रीब औरतुनि लाइ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ॾिनो। मुखालिफ़ कूड़ ऐं नफ़रत फैलाए रहिया आहिनि। फतह हमेशह सच जी थींदी। पीटीआई नौजवाननि खे सोशल मीडिया ते बदतमीज़ी करणु सेखारी। कराची में पीटीआई जे गुंडनि पंहिंजे सरबराह जे चवण जे पीपल्स पार्टी जे पीपल्स बस सर्विसुनि खे बाहि ॾिनी। पाकिस्तान ऐं IMF विच में नए प्रोग्राम ते अहम घबराई। आलमी मालियाती फंड नए कर्ज़ प्रोग्राम लाइ पाकिस्तान जे दरख़्वास्त मंज़ूरु करे वरिती। IMF खां बाज़ाबता तौर ते 6 खां 8 अरब डॉलरनि ताईं GAFF बेल आउट पैकेज जी दरख़्वास्त ॾिनी। नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जो चवणु आहे त पाकिस्तान घटि में घटि 6 अरब डॉलर जो नओं प्रोग्राम वठंदो। कर्ज़ ते इतफ़ाक़ थियो त हू इज़ाफ़ी फाइनेंसिंग जी बि दरख़्वास्त कंदा। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लाइ इस्लाहती एजेंडा ते अमल पहिरां आहिनि। टैक्स नेट वधाइण ते ध्यानु आहे। ख़र्चनि में घटिताई लाइ क़दम खयां पिया वञनि। वॾे वज़ीर टैक्स उगाड़ी जो हदफ़ पूरो न करे सघंदड़ एक्साइज़ खाते जा ऑफिसरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जी हिदायत। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी सदारत हेठि एक्साइज़ ऐं टैक्सेशन खाते जो इजलास। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम महमूद, चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी ऐं ॿिया अमलदार शरीक। इजलास में ब्रीफिंग ॾिनी वई त एक्साइज़ ऐं टैक्सेशन खाते गुज़िरियल 3 सालनि जी भेट में 287.64 मिलियन रुपया टैक्स उगाड़ियो। वॾे वज़ीर पारां एक्साइज़ ऐं टैक्सेशन खाते ॼण पूरे उगाड़ी ते नाराज़गी जो इज़हार। मुराद अली शाह सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम महमूद खे हिदायत कई त हू ज़ाती तौर ते एक्साइज़ ऐं टैक्स सेक्शन जे उगाड़ी ते ध्यानु ॾिए। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसाति तबाही मचाए छॾी। मुख़्तलिफ़ हादिसनि में फोतियुनि जो अंगु 46 थी वियो। केतिरा ई ज़ख़्मी PDMA पारां जारी कयल रिपोर्ट मूजिबि मजमूई तौर ते 2875 घरनि खे नुक़सानु पहुतो। 436 घर मुकमल तौर तबाह थिया। हादसा ख़ैबर, दीर, चित्राल, सवाद, बाजोड़, शांगला, मानसेरा, महमद, मालाकंड ऐं ॿिनि इलाइक़नि में पेश आया। पाकिस्तान ख़िलाफ़ B20 मैच में न्यूज़ीलैंड पहिरियां बैटिंग कंदे 20 रन ते ऑल आउट थी वई। पाकिस्तान खे मैच खटण लाइ 91 रन्स जो टारगेट मिली वियो।